नमस्कार, इंडिया डिबेट के स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। मैं अपने देश के उन तमाम दर्शकों और खास तौर से सहारा के निवेशकों से आज महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं। हमारे स्टूडियो में हमारे दोनों तरफ आपके साथी बैठे हैं। सार्वजनिक जीवन में शुचिता बहुत महत्वपूर्ण है, पारदर्शिता, ईमानदारी बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने सोचा कि आज सीधे आपसे बात की जाए, आपको बताया जाए कि हमने क्या निर्णय लिया है। हमारे बगल में सतीश जी बैठे हैं, अभय जी बैठे हैं, दो और साथी बैठे हैं। सहारा के निवेशकों ने और जो फील्ड वर्कर हैं, जो वर्षों से काम कर रहे हैं, आज भी सहारा से जुड़े हुए हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो सहारा से नहीं जुड़े हुए हैं, सबने मिलकर के एक निर्णय लिया है। और वो निर्णय है, निवेशकों की लड़ाई अब आर पार की होगी। हमने भी आपसे वायदा किया था कि इस लड़ाई में क्यूआई नेटवर्क किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। और वो फैसला हमने ले लिया। हमने कहा था आपको कि हम इस लड़ाई को कानून के मंदिर में, सड़क पर और संसद तक, नेताओं के दरवाजों तक, हर जगह लड़ेंगे, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचेंगे। और वो निर्णय हो गया। आपके साथी निवेशक और जो एजेंट, जो वर्कर हैं, फील्ड वर्कर हैं, उन्होंने फैसला किया है कि इस लड़ाई को अब अंतिम मुकाम पर ले जाया जाए। और अंतिम मुकाम है अदालत की का शरण, सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आने वाले कुछ ही दिनों में फाइल हो जाएगा और इसके लिए आप सबने 20 वकीलों की टीम को हायर कर लिया है। यह सबसे बड़ी घोषणा है। इन्होंने बजाबता प्रोफेशनल हायर किया है, प्रोफेशनल वकीलों को, उनको उनका मानदेय दिया जाएगा। उसके लिए इन्होंने चेक निर्गत कर दिए हैं। अब वो 2 लाख का है, 5 लाख का है, 10 लाख का है, लेकिन चेक निर्गत हो गया है। ये घोषणा मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं इसका विटनेस हूं। मेरे सामने में आप सभी साथी ने यह फैसला किया कि इस लड़ाई को अब लड़नी है। मित्रों, इस लड़ाई को अब प्रतिफल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप सबका इकट्ठा होना, आप सबका साथ होना बेहद जरूरी है। मैं शुरू से यह कहते आया हूं कि संघ में ताकत होती है, शक्ति होती है। जो लोग अलग विचार रखते हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि एकजुट होइए। पीआईएल फाइल होगा, पीआईएल के बाद और भी बहुत सारे पिटिशन, उसके सपोर्टिंग पिटिशंस भी लगेंगे। कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा जिसमें कोर्ट से वो बच करके निकल सके। पीआईएल के दायरे में जो भी आएगा वो आएगा, उनको भुगतना पड़ेगा। हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि आपको भुगतान हो जाए। भुगतान कैसे होगा ये फुटबॉल खेला जा रहा है। सरकार चुनाव में व्यस्त है, चुनाव के बाद खुमार होगा, नई सरकार जब आएगी तो अपने खुमार में होगी, फिर कैसे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अदालत में तो उनको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए अदालत के शरण में अब आप सभी बंधुओं ने फैसला किया है और मैंने कहा है कि मैं साक्षी के रूप में आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपकी लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ने का जो मेरा प्रण था वो मैं आज मजबूती से दोहरा रहा हूं आपके सामने। हमारे बहुत सारे साथी को शायद
इस बात की शंका थी कि क्यूआई नेटवर्क कहीं ऐसा तो नहीं है कि सहारा प्रबंधन के साथ खड़ा हो जाएगा, सरकार के साथ खड़ा हो जाएगा, यह गलतफहमी हटा दीजिए। गन्ने की कड़ी बुनियाद जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।